Subscribe and press the bell icon for latest update. जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता है तो लोग इस सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर देखा जाता है कि इस मौसम में लोगों के अंदर हाथ पैर ठंडे होने की समस्या हो जाती है। अगर आपको भी सर्दियों में हाथ पैरों के ठंडे होने की समस्या है तो इसके लिए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान से उपाय बता रहे हैं जिन्हें अपना कर आप आसानी से इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर एक, दालचीनी। दालचीनी का सेवन हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि दालचीनी में भरपूर मात्रा में विटामिन बी, मैंगनीज, पोटेशियम और अन्य कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर के रक्त के बहाव को बेहतर बनाते हैं। अगर आप हर रोज एक गिलास गुनगुने पानी में एक छोटा चम्मच दालचीनी मिलाकर पीते हैं तो इससे आपके हाथ पैर ठंडे होने की समस्या समाप्त हो जाती है। नंबर दो, हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल पुराने जमाने से स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में करक्यूमिन पाया जाता है जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने का काम करता है। अगर आपके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं तो एक गिलास गर्म दूध में हल्दी और शहद मिलाकर पीने से हाथ पैर ठंडे होने की समस्या दूर हो जाती है। नंबर तीन, लहसुन। लहसुन में भरपूर मात्रा में एंटीवायरल गुण मौजूद होते हैं। अगर आप नियमित रूप से सुबह खाली पेट में लहसुन की एक कली का सेवन करते हैं तो इससे हाथ पैर ठंडे होने की समस्या से बचा जा सकता है। नंबर चार, आंवला। आंवला में विटामिन्स की मात्रा भरपूर पाई जाती है। अगर आप हाथ पैर ठंडे होने की समस्या से परेशान हैं तो आप अपने खाने में दो आंवलों को शामिल करें। ऐसा करने से आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई ये टिप्स आयुर्वेद और नेचर से जुड़े हैं। क्योरेन ही आयुर्वेद है, इसलिए क्योरेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe and press the bell icon for latest updates.